अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस में। आईजी पंजाब इनाम गनी का गुजरांवाला में हवाई फायरिंग से राहगीर बच्ची की हलाकत के वाके का नोटिस। आरपीओ गुजरांवाला से वाके की रिपोर्ट तलब। फायरिंग करने वाले मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की वुमेन सेफ्टी ऐप के हवाले से आगाही मुहिम जारी। कनेट कॉलेज लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में खातीन को वुमेन सेफ्टी ऐप की वर्किंग बारे बताया गया। सेमिनार में MPA उज़्मा कारदार, DSP IC3 मंसूरुल हसन, कनेट कॉलेज के इसातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। सेफ सिटी डे केयर सेंटर का एक साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद। डे केयर सेंटर की पहली सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में DSP IC3 शाहिद चद्दर और सेफ सिटी के स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर DSP IC3 शाहिद चद्दर और बच्चों की माओ ने ख्यालात का इजहार किया। टफ हो जाता है फैमिली को साथ देखना, जॉब फीमेल की मैं कहती हूँ डबल ड्यूटी हो जाती है, डबल जॉब हो जाती है, घर और चीज़ों को मैनेज करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे डे केयर ने हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया इस हवाले से। हाँ, बच्चों को हर किस्म की प्ले एक्टिविटीज़, उनकी फन एक्टिविटी, उनकी लर्निंग के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से हर चीज़ पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हैं, दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर है, हमारे स्टार्स हैं। तो हम उनको जैसे बिल्डअप करेंगे, जैसे उनको प्रोग्रेस करेंगे, वर्किंग करेंगे, वैसे वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। छोटे बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, किस तरह मैनेज करती हैं? कभी एक रोता है, कभी दूसरा रोता है, कभी तीसरा रोता है। वो अपना कम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कभी उसने उठा लिया, कभी मैंने उठा लिया। अच्छा, मतलब मैनेज कर लेते हैं वन बाय वन। सेफ सिटी है अभी तक जो भी अपना जितने भी काम कर रही है और मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कर रही है, और ये चूँकि एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे अपने PCOs को, स्टाफ को फैसिलिटेट करना था, इसलिए सेफ सिटी ने इसमें जल्द इनिशिएटिव लिया। और हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी ये है, CM साहब की पॉलिसी भी है, उस हवाले से अब चूँकि वीमेन एम्पावरमेंट का मसला भी है और औरतों को अब ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट में आ रही हैं, उसके साथ साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, हर इदारे में होनी चाहिए। इंशाल्लाह बड़े कामयाबी के साथ हमारा ये तमाम स्टाफ इसको चला रहे हैं। कहना पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान से 4 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद। मुलजमान का दुराने तफ्तीश, मुतादित वारदातों का इंकशाफ। SP मॉडलटाउन दोस्त मोहम्मद की SHO कहना और उनकी टीम को शाबाश। कहना में पुलिस और मनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का मामला। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत इकदाम कत्ल और कार्य सरकार में मुजाहमत की दफात शामिल। मुकदमे में 2 गिरफ्तार मुलजमान समेत 12 मुलजमान नामजद। गिरफ्तार मुलजमान में रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश शाकिर उर्फ शाकरी और ताहिर शामिल। मनशियात फरोशों की फायरिंग से थाना कहना की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मनशियात फरोशों से 3 किलो से ज्यादा मनशियात और असलहा बरामद। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट ने डकैत और चोर गैंग के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना गुलाम अब्बास और उसका साथी ताहिर महमूद शामिल। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत के 4 मोबाइल फोन्स और 50,000 नकदी बरामद। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की तरफ से मुलजमान की गिरफ्तारी पर नवाकोट पुलिस टीम को शाबाश। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।